यस स्टूडेंट्स, लेट्स डू स्टैंजा नंबर 5। अब कंगारू ने देखिए क्या रिप्लाई किया। सेड द कंगारू, फिर कंगारू को ये हो गया कि मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट हूँ, सेफ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि डक ने सारे अरेंजमेंट कर लिए थे। नाउ सेड द कंगारू, कंगारू क्या कहता है, आई एम रेडी, तो फिर मैं रेडी हूँ, ठीक है। ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट टू एट द एंड ऑफ द ऑफ माई टेल। कहता है कि इस मध्यम पड़ी हुई पीली जो रोशनी है चांद की, कहता है उसके अंदर मैं आपको जो है घुमा करके लाऊंगा, बस आपको एक काम अच्छे से करना है कि मेरे ऊपर प्रॉपर बैलेंस बना करके, वेल बैलेंस आपको होकर के बैठना है और बिल्कुल सीधा बैठना है, ठीक है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ बैठना, बिल्कुल मेरे जो टेल है, मेरी जो पूंछ है उसके सिरे पर बैठना है। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, ठीक है। और ऐसा कह के उसने फिर क्या किया, वो होप किया उन्होंने और एंड ए बाउंड। बाउंड होता है एक लिमिटेड जो एरिया होता है, ठीक है, निश्चित सीमा आप बोल सकते हो। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और फिर ऐसे होप करके, क्योंकि लिमिटेड जो एरिया कवर कर रहे थे होप के अंदर भी वो, तो जैसे हम छलांग लगाते हैं तो एक लिमिट होती है, ठीक है, तो वो छलांग लगा लगा करके चलना उसका स्टाइल था, स्टाइल है, तो ऐसे कर करके होप कर करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड के 3 times राउंड, बोल रहा है कि 3 बार चक्कर लगाए, ठीक है। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, कहता है ऐसे पूरी दुनिया के 3 rounds उसने लगाए घूमते फिरते, तो और कहता है कि कंगारू और डक से ज़्यादा खुश कौन होगा, ठीक है, तो कोई भी कौन होगा, वही होंगे डक और कंगारू। देखिए दीज आर द क्वेश्चंस, व्हेन डिड द कंगारू गेट रेडी और व्हाट डिड ही आस्क द डक टू डू और हाउ डिड दे गो, कैसे वो गए और हाउ मैनी टाइम्स डिड दे हॉप द होल वर्ल्ड राउंड, पूरी दुनिया के उन्होंने कितने चक्कर लगाए, हाउ डिड दे फील और उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। These are the questions or see answers also. The kangaroo got ready in the moonlight pale. ठीक है, जो वो पीली मध्यम पीली जो रोशनी है moonlight जो है, he asked the duck to sit at the end of his tail without making any motion. क्योंकि अगर वो motion करती है means कि वो move करती है या उसकी body में थोड़ी सी भी movement होती है तो उसका गिरने का chance है क्योंकि वो at the end of the tail बैठी है। They went away with a hope and a bound. They hopped the whole world 3 times round. Both the duck and the kangaroo felt very happy. These are the question answers you have to write. And here ends the poem, students. Okay, goodbye. Take care.